की क्लास में डिस्कस करते हैं शेप्स मैक्स। तो हम हमारे शेप्स मैक्स में सबसे पहले हैं वन, ये कितने ऐसे तो इसके बीच में हमारे से नाम दे दिया ए बी सी डी ई बनती है। तो ये कितना होगा, अगर ये इससे बड़ा है तो ये 30 हो जाएगा, और ये कितने गुना होगा 40। तो हमारा हमें इस पे क्या ढूंढना है, तो हमें करना है 20 प्लस 30, जो आंसर निकलेगा उस पे हमें प्लस करना है 40, ठीक है, और जो आंसर निकले वो होगा स्टार्ट और उस पे गुणा होगा उसका, ठीक है। जीरो जीरो आपका जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, थ्री टू प्लस थ्री फाइव तो 50, 50 प्लस 40 तो जीरो, 5 4 9, 90 की गुणा हमारा इसमें है 90, हो गया। इसमें कुछ प्लस माइनस तो हम इसमें और हमारा अब तो हमें हमारा से प्लस करना है 90, तो हमारा डायोमीटर है 00, तो 00 तो 0 ही है, राइट राइट, उसका डायोमीटर 18 है, तो 18 तो पे कोई कड़ी हो बड़ी आ सकते, तो ये जो है ये है 180 के। अब हमारा आएगा ये 20, 1 0 0 8 2 10, 11, 0, तो हाँ हमारा ये तो तैयार हो रखा है जी, तो हमारा ये है इसका क्रिएटिव, तो ये तो कब है 1, ये तो 0, ये तो 2, 25 और ये 28, 90 किलोमीटर का। तो हम ये 20 का है और ये 30 का, ये भी तो 20 का होगा ठीक है। तो हम हमारा ये डिवीज आपको ऐसा ये कितने एज का है 20, 20, ये कितने एज का, तो ये एज जीरो जीरो से रहता है, कुछ बन गए 2 0 3 0 8 0 2 0 डिवीजन, हमारा मिल जाएगा 0, इसका तो कोई नॉर्म ही नहीं था, और यहाँ पर इसका आंसर आ गया 1 0 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